के संकेत बताने के लिए, लेकिन मयूरेश आशीष ने जो शुरुआत में जिक्र किया वो है महाराष्ट्र, और अब बाजार बंद होने के बाद जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसका क्या इम्पैक्ट आप कल बाजार पर देखते हैं? रिकॉर्ड हाईस छूने के बाद अब आगे के लिए आउटलुक आपका क्या है? इवनिंग दीपाली जी, बिल्कुल आई थिंक जो आशीष बता रहे थे एक जो पॉलिटिकल आउटकम है और जो पॉलिटिकल आउटकम होगा कल आफ्टर द फ्लोर टेस्ट, थोड़ी उछल पुछल मार्केट्स में जरूर रहेगी, बट आई थिंक द मार्केट्स विल स्टार्ट इग्नोरिंग दैट, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी होती है मार्केट्स की इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक आउटलुक, अर्निंग्स ग्रोथ और केपेक्स साइकिल ऐसे, इस पर ध्यान देने लगेगा वापस। तो मेरे ख्याल से आई थिंक फ्रॉम एन इमीडिएट शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू मुझे लगता है मार्केट्स पर अभी भी बुलिश है। आर ओन व्यू इज दैट अगर 12103 हैवी वॉल्यूम्स के साथ मार्केट निकाल सकता है, कहीं ना कहीं आई थिंक 12400-12500 भी पॉसिबल है। एंड अगेन आई थिंक जो 21 DMA का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 11820 के आसपास, वो आई थिंक मार्केट्स एटलीस्ट फ्रॉम शॉर्ट टू मीडियम टर्म होल्ड करना चाहिए। तो आई थिंक हम मार्केट्स पे बुलिश रहेंगे, थोड़ी वॉलेटिलिटी कंसिडरिंग द फ्लोर टेस्ट हो सकती है, बट आई थिंक द मार्केट्स विल लार्जली इग्नोर दैट एंड मूव फॉरवर्ड वंस द इवेंट इज ओवर। ठीक है, तो आउटलुक पॉजिटिव ही है और 12400-12500 की बात आप मयूरेश कर रहे हैं, लेकिन चलिए अब आपके सवालों को करते हैं शो में शामिल और यहां से अब सीधे रुख करते हैं स्टॉक फटाफट का। और पहला सवाल जो आया है व्हाट्सएप के जरिए के दत्ता ने भेजा है कोलकाता से, और सवाल है इनका आईटीडीसी पर। आईटीडीसी इन्होंने खरीदा हुआ है, 200 शेयर्स है, खरीद भाव है 405 रुपए का। मयूरेश बताइए, इनफैक्ट ये कांस्टेंट रन अप स्टॉक ने दिखाया था अपने होटल के मोनेटाइजेशन की खबरों के बीच में, और शायद तब इन्होंने खरीदा है क्योंकि इनकी बाइंग हायर लेवल्स की है। नुकसान तो है इनको 50-60 रुपए के आसपास का हर स्टॉक पर, अब रिकमेंडेशन क्या है? नहीं, होल्ड करना चाहिए, और दीपाली जी जैसे राइट नहीं कहा, आई थिंक जो होटल का कारोबार है इनका, आई थिंक द फर्स्ट हाफ हैज बीन क्वाइट एनकरेजिंग। 152 करोड़ का आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ रेकमेंड किया है, और उनकी जो बॉटम लाइन की ग्रोथ पोस्ट की है 1.38 करोड़, सो आई थिंक एक एनकरेजिंग साइन बिल्कुल है। मेजोरिटी ऑफ इट्स रेवेन्यूज कम्स फ्रॉम द होटल बिजनेस जो अशोक होटल दिल्ली में है, और टूर्स और टूरिज्म में भी है, सो देर इज सिग्निफिकेंट स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट गोइंग फॉरवर्ड इज वेल, क्योंकि एक अच्छे पीक सीजन में मारे विच इज Q3। तो आई थिंक होल्ड करके रखना चाहिए बिल्कुल ये स्टॉक को, आई थिंक कोई जल्दबाजी ना करे बेचने में। ठीक है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है बेचने की, होल्ड करने की सलाह है आईटीडीसी। इसके अलावा जो अगले कॉलर हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद फोन लाइन पर हमारे साथ मनु है दिल्ली से। मनु जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैंने विसाका इंडस्ट्रीज के 900 शेयर्स लिए जो 270 के भाव पे, इसको मुझे होल्ड करना के क्या है? ठीक है, और ठीक है राय ले लेते हैं। बताइए मयूरेश, एक छोटी सीमेंट कंपनी है विसाका इंडस्ट्रीज, अगर 52 वीक हाई से कंपेयर करें तो काफी नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहे हैं, इनकी बाइंग भी हायर लेवल्स की नहीं है, लेकिन हाँ सीमेंट स्टॉक्स ने परफॉर्म किया भी नहीं है, अब इनको क्या करना है शेयर में? ये सीमेंट और एस्बेस्टिस शीट मेकर्स हैं, और इनके जो बिल्डिंग प्रोडक्ट डिवीजन है वहां पे एक दिक्कत जरूर आई है। तो अगर आप रिसेंट तिमाही के नतीजे देखें तो इबिट मार्जिन जब 4.9% रिपोर्ट किए थे, ओवरऑल आई थिंक जो इनका सिंथेटिक यार्न का कारोबार है वहां पे 14.9% का इबिट मार्जिन एक रीजनेबल था, बट ओवरऑल आई थिंक अगर हम देखें तो जो इबिटा मार्जिन थी एक क्वार्टर में 8.9% पे आई, फर्स्ट हाफ में इट वॉज ऑलमोस्ट एट 11.5%, ROCs में एक सिग्निफिकेंट डिटोरेशन देखने मिला है एट 12.5%, विच इज कम डाउन फ्रॉम 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो जो फंडामेंटल्स और नंबर्स अर्निंग्स परस्पेक्टिव से बिल्कुल आई थिंक थोड़े सॉफ्ट है, आई थिंक रिकवरी के लिए काफी समय देना पड़ेगा, सो इधर वो इन्वेस्टर हैज टू गिव अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आई थिंक फंडामेंटली स्टॉक वीक है। टेक्निकली भी आई थिंक 284 जिसका 50 DMA है ये तोड़ना बहुत जरूरी है फॉर द स्टॉक टू मेक अ गुड मूव एंड गिव द इन्वेस्टर गुड रिटर्न्स। तो मेरे ख्याल से आई थिंक ऑल्टरनेटिव देखने चाहिए, आई थिंक ऑल्टरनेटिव लाइक नेस्को फॉर एग्जाम्पल या KEI इंडस्ट्रीज आई थिंक एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं फ्रॉम अ मीडियम टर्म परस्पेक्टिव। ठीक है, तो विसाका इंडस्ट्रीज में बहुत समय आपको देना पड़ेगा, अगर आप चाहें तो दूसरे स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि भी मयूरेश ने बताया भी, के इंडस्ट्रीज एक बेहतर विकल्प है मिड कैप कैटेगरी में। हमारे साथ चंडीगढ़ से फोन लाइन पर संदीप महाजन है फोन लाइन पर। संदीप जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग, मेरे पास SBI के शेयर है 1500 283 के रेट पे, तो अब मैं उसको क्या प्रॉफिट बुक करूं या अभी होल्ड करूं?
ठीक है, पूछ लेते हैं मयूरेश जी, अच्छा चला है एसबीआई इनफैक्ट, और बाइंग भी इनके ठीक ठाक लेवल की है, यहाँ प्रॉफिट्स ले लें यहाँ पर रखें? बिल्कुल और करना चाहिए. आई थिंक जो नंबर्स आए थे काफी एनकरेजिंग थे, जो ग्रॉस एनपीएस थे 7.62, नेट एनपीएस 3.64. अगर हम स्लिपेज रेशियो की भी बात करें तो कहीं ना कहीं आई थिंक दे हैव टू स्टिल प्रोवाइड फॉर अ फ्यू एसेट्स, डीएचएफएल जैसे जहां पे सिर्फ 20% प्रोविजनिंग की है, बट लार्जली अगेन आई थिंक इवन इफ दे प्रोवाइड फॉर दैट, मुझे लगता है एक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स बैंक रिपोर्ट करनी चाहिए. जो इनके आई थिंक एडवांसेस ग्रोथ है दैट शुड बी एनीवेयर बिटवीन 10-11%, रिटेल लोन्स इज ऑलमोस्ट 32% एंड अ लार्ज एलिमेंट इन टर्म्स ऑफ इट्स सम ऑफ पार्ट्स वैल्यू. जो इनकी बाकी के आई थिंक सब्सिडीज से वैल्यूएशन आती है, एसबीआई लाइफ, एसबीआई एमसी, एसबीआई कार्ड्स का कारोबार आई थिंक लिस्ट होना है, आई थिंक दैट विल इंश्योर द ओवरऑल अर्निंग स्टे अप एंड निम शुड ऑल्सो लार्जली होल्ड अप, क्योंकि इन्होंने अपने जो सेविंग्स हैं वो रिपो रेट के साथ लिंक किए हैं, तो 3.1% के आसपास लिंक इनके रहने चाहिए. तो ROAs, ROEs में इंप्रूवमेंट एंड एक्सपेक्टिंग द स्टॉक टू परफॉर्म वेल, क्योंकि अर्निंग्स काफी स्टेबल हो सकती है, बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए स्टॉक. होल्ड करने की सलाह है, आप बने रहिए इस स्टॉक में, मुनाफा आपको हो रहा है लेकिन और आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं. केवल ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है शिमला से. केवल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? केवल जी आप अपने टीवी के ऑडियो कम कीजिए और अपना क्वेश्चन प्लीज पूछिए. मैडम 100 शेयर लिए जी 450 के रेट में DHFL, तो ये क्या आपकी पुरानी बाइंग है 2017 के स्टार्टिंग की? हाँ, उसके बाद लिया आपने? और आपने इतना पेशेंस भी रखा कि इस ये स्टॉक अब 600-700 के लेवल से 20 रुपए का आ गया और आपने होल्ड रखा. मयूरेश अब गवाने के लिए तो कुछ है नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट सब कुछ तो गवा चुके हैं DHFL में. अब बताइए, डिफिकल्ट है हालांकि इस तरह की क्वेरी को एड्रेस करना, बट क्या करें अभी? ये काफी अनफॉर्चुनेट है और कहीं ना कहीं मेरी राय पहले ये रहेगी कि जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं कि एक न्यूज मॉनिटरिंग करना काफी नेसेसरी होता है. अगर आप स्टॉक रखते हो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो उसको मॉनिटर करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो ये दिक्कतों से गुजर रही है, आई थिंक कोई फंडामेंटल राय देने के लिए आई थिंक मैं सक्षम नहीं हूं, पर एक ऑल्टरनेटिव जिनको डेफिनेटली दे सकता हूं आई थिंक गुजरात गैस या KEI इंडस्ट्रीज. गुजरात गैस फॉर एग्जाम्पल बेहतरीन नतीजे थे. आई थिंक जो मोरबी इंडस्ट्रियल एरिया में इनकी वॉल्यूम ग्रोथ आई है वो जबरदस्त थी. एबिटा पर SCM शुड स्टेबिलाइज अराउंड 4.4 रुपीज पर SCM, और जो अर्निंग्स ग्रोथ आएगी स्पेसिफिकली टैक्स कट्स के बाद, ये आई थिंक ROEs को आई थिंक सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करेगी. सेम फॉर KEI, आई थिंक गुड सेट ऑफ नंबर्स. इसका जो पीयर है पॉलिकैब ये जबरदस्त चला है, बट KEI हैज ऑल्सो गिवन अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स. ऑर्डर बुक काफी तगड़ी है और जो एक्सपेक्टेशन है ईपीसी ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन की अलॉन्ग विथ एक्सपोर्ट्स एंड इंक्रीज इन द रिटेल बिजनेस, ये आई थिंक सपोर्ट करेगी अर्निंग्स ग्रोथ को. तो मेरे हिसाब से आई थिंक जो ऑल्टरनेटिव में देख सकता हूँ गुजरात गैस या KEI इंडस्ट्रीज. तो इस नुकसान की भरपाई के लिए कुछ और स्टॉक्स आप ले सकते हैं. KEI इंडस्ट्रीज का मयूरेश ने जिक्र किया, साथ ही गुजरात गैस. गुजरात गैस तो इनफैक्ट आज काफी स्ट्रॉन्ग मूवर रहा भी था मैक्वारी के अपग्रेड के साथ, और गैस कंपनीज में भी IGL महानगर गैस और गुजरात गैस तीनों में वैल्यूएशन वाइज भी सबसे अट्रैक्टिव है. मयंक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है गुड़गांव से. मयंक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम गुड इवनिंग, मेरे पास इंफोसिस के 20 शेयर है 745 पे, और इंजीनियर्स इंडिया भी मैंने 134 पे लिया हुआ है. मुझे उन दोनों के बारे में जानना है इन्वेस्टमेंट पर्पज से. ठीक है, इन्वेस्टमेंट पर्पज तो यानी मेरे लॉन्ग टर्म के लिए इन्होंने लिए हैं. इन्फोसिस 745 परचेजिंग प्राइस है और EIL इन्होंने 134 पर बाय किया है. क्या रिकमेंडेशन होगी? अगेन आई थिंक दीपाली जी, आई थिंक इन्फोसिस को लेके न्यूज है, आई थिंक उसको मॉनिटर करना बहुत नेसेसरी है. हालांकि जो इन्होंने एक रेवेन्यू गाइडेंस बढ़ाया है, मुझे लगता है आई थिंक विद द आईटी पैक इटसेल्फ HCL Tech पे नजर रख सकते हैं. अगर HCL Tech 1180 के लेवल तोड़ता है तो आई थिंक एक बहुत अच्छे पिवट लेवल्स क्रॉस करेगा. इन पर एज पर आर मेथोडोलॉजी ऑर्गेनिक ग्रोथ अच्छी खासी इंप्रूव हुई है, और इंप्रूव हुई इन द सेंस ऑफ इंप्रूविंग द ट्रेजेक्टरी एज वेल. अगेन वैल्यूएशन काफी सस्ते हैं, ऑर्डर विंस हैव बीन क्वाइट रीजनेबल, और जैसे इनके आई थिंक डील विंस ट्रांसलेट होंगे अर्निंग्स में काफी अच्छा मूव दे सकते हैं. तो एक ऑल्टरनेट विकल्प में दे सकता हूं HCL Tech का.
Engineers India, again, I think it's a very, very stable stock. I think reasonable order book, jo inke execution parameters hote hain, jo I think ya pura value spectrum hai in the areas that they operate out of. I think jo ROCs hain, I think it's stable hai aur improve honge. Thodi dikkat bilkul aa sakti hai from an interim perspective in terms of capex, both public and private. But over a longer period of time, ye stock bahut badhiya karna chahiye. To Engineers India, agar aapke paas hai, to bilkul hold karke rakhna chahiye. यही आप कॉल कर सकते हैं और चाहे तो इंफोसिस से स्विच कर सकते हैं एचसीएल टेक में. ये आपके लिए रिकमेंडेशन है. अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जूनागढ़ से फोन लाइन पर मौजूद हैं. पीयूष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका. मेरे पास अदानी गैस के शेयर से रहे 147 पर. ठीक है, राय ले लेते हैं अदानी गैस पर. बताइए मयूरेश, अदानी गैस इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, काफी ऊपर इन्होंने लिया है क्योंकि ये स्टॉक भी वाईटीडी रिटर्न देखेंगे तो काफी परफॉर्मर रहा है, अब क्या करना चाहिए? नहीं, होल्ड कर सकते हैं और जैसे आई थिंक पूरा क्षेत्र है एक बहुत पॉजिटिव और स्वीट स्पॉट में है. जैसे नए नए आई थिंक एरियाज एलोकेट होंगे, आई थिंक जो विनिंग बिड्स आएंगे आई थिंक दैट क्लियरली विल बेनिफिट अ लॉट ऑफ दीज गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज. दूसरा जो आई थिंक रिटर्न हो सकता है आई थिंक कैन हैपन विद इन 6 to 9 months ऑफ द केपेक्स दैट दे प्रॉब्ली इनकर. और इसके वजह से आई थिंक जो गैस प्राइसिंग रिलेटेड इश्यूज होते हैं आई थिंक ये पास थ्रू होते हैं. तो अगर हम सोचते हैं कि आई थिंक गैस प्राइसेस ऊपर गई नीचे गई तो अकॉर्डिंगली आई थिंक होते हैं पी एंड एल पे आई थिंक इनके रिपरकशंस. हाउएवर आई थिंक इफ यू हैज अ मीडियम टर्म व्यू बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं. एक अहम लेवल आई थिंक 114 को मॉनिटर करनी चाहिए बिकॉज यहां पे आई थिंक डेली और वीकली सपोर्ट्स काफी स्ट्रांग है स्टॉक के लिए. ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह अदानी गैस. प्रतीक मोदी हमारे साथ हैं फोन लाइन पर इंदौर से. प्रतीक जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में? हेलो हेलो, पूछिए प्रतीक अपना सवाल. मैम मैंने राइट्स लिए थे 305 पर 300 क्वांटिटी. ठीक है, व्यू ले लेते हैं. बताइए मयूरेश जी, राइट्स 305 पर इनकी बाइंग है, 282 पर ही क्लोज हुआ है, थोड़ा सा नुकसान है, क्या रिकमेंडेशन होगी? ये बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए. जैसे इसका ऑर्डर बुक है काफी तगड़ा है जो 2.5-3 साल का एक रेवेन्यू विजिबिलिटी देता है. जो इनके एक्सपोर्ट ऑर्डर है जैसे एग्जीक्यूशन चल रहा है स्पेशली डीएमयू और लोकोमोटिव बिजनेस के हिसाब से वो एक सेफगार्ड और शील्ड करता है ओवरऑल परफॉर्मेंस को. तीसरा आई थिंक जो इनके बिट्टा मार्जिन है ये अराउंड 26-27% के आसपास रहनी चाहिए. दे आर एक्सपेक्टेड टू मेंटेन दिस ट्रेंड. फोर्थ आई थिंक जो डोमेस्टिक कारोबार है आई थिंक वेदर इट्स कंसल्टेंसी टर्नकी आई थिंक ये सारे आई थिंक बिजनेस लाइन जो है रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखे आई थिंक राइट्स बिकम्स अ क्लियर बेनिफिशियरी. एंड फिफ्थ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई थिंक इसकी जो डिविडेंड यील्ड है 4.75 ये काफी बेहतरीन है एंड अमंग्स द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ पीएसयू कंपनीज. सिक्स्थ आई थिंक जो इसका टेक्निकल पैरामीटर है 272 आई थिंक इज द 50 DMA आई थिंक एक अहम सपोर्ट है स्टॉक के लिए ये लेवल पे. तो ये लेवल आप नजर रखें बट ओवरऑल आई थिंक ये स्टॉक आप बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं. ठीक है, होल्ड करने की सलाह है. राइट्स, इसमें आप बने रह सकते हैं. अगले कॉलर हमारे साथ प्रसाद है मुंबई से. प्रसाद जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? बैंक के 1000 शेयर है, 95 को खरीदे थे और कोल इंडिया के 500 शेयर है और 200 रुपए में खरीदे थे, क्या करना चाहिए? ठीक है, कोल इंडिया और फेडरल बैंक में दो स्टॉक है इनके पास. कोल इंडिया में इनका परचेसिंग प्राइस 200 रुपए का है और फेडरल बैंक इन्होंने 95 के आसपास लिया हुआ है. दोनों स्टॉक्स इनके बाइंग प्राइस से नीचे हैं थोड़ा थोड़ा, क्या करना चाहिए? फेडरल बैंक के लिए पहले टेक्निकली एकदम मैं बात करूं तो 90-20 आई थिंक जो इसका 50 DMA है जो 200 DMA है आई थिंक ये अगर ये क्रॉस करता है अच्छे वॉल्यूम के साथ कोई काफी तगड़ी मूव आ सकती है. दूसरा आई थिंक जिनके स्लिपेजेस थे जो रिपोर्ट हुए थे 450 करोड़ स्टिल टू रिपोर्टेड फ्रॉम 3 stressed assets. इसकी वजह से आई थिंक उनका नेट स्लिपेज रेशियो होगा ये शायद 2.5% के आसपास होगा बट एसएमए बुक एसएमए 1 एसएमए 2 ये 2% के नीचे है विच इज अ वेरी एनकरेजिंग साइन.
दूसरा जो लोन एडवांसेज है ये 15 से 16% के रेंज में ग्रो करना चाहिए, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी पॉजिटिव साइन. थर्ड अगर हम देखें जो निम्स है, आई थिंक निम्स शुड स्टेबिलाइज बिटवीन 3 and 3.2%, क्योंकि जैसे आई थिंक ये पास थ्रू करेंगे इन टर्म्स ऑफ द डिपॉजिट रेट्स कंपेयरिंग दैट इन टर्म्स ऑफ लिंकिंग इट टू द रिपो, आई थिंक दैट शुड बेनिफिट देम इज वेल. फोर्थ आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज हैं, आरओए शुड इंप्रूव टू 1% एंड आरओईज शुड कम टू डबल डिजिट्स एज वेल, अराउंड 12 to 13%. तो प्राइस टू बुक या प्राइस टू एडजस्टेड बुक से काफी अच्छा लगता है. 90 to 20 200 डीएमए है, अगर क्रॉस करता है वॉल्यूम के साथ तो तगड़ी में होनी चाहिए, तो बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए. कोल इंडिया के लिए आई थिंक जो अहम लेवल्स है, 200 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बोथ इन टर्म्स ऑफ वीकली एंड डेली एवरेजेस. दूसरा आई थिंक इंटरनेशनल कोल प्राइसेस है, वहां पे हमने बढ़ोतरी देखी है. तीसरा आई थिंक इनकी जो कोल प्रोडक्शन है, एक्सपेक्टेशन यही है कि आई थिंक 610-620 मिलियन टन्स के आसपास आएंगे, विच इज सिमिलर टू लास्ट ईयर. जो एफएसए होता है जो पावर कंपनीज को ये देते हैं, वहां पे ये घटा है, लेकिन जो ई ऑक्शन वॉल्यूम्स है वहां पे 30% की ग्रोथ देखी थी. हालांकि रियलाइजेशन घटे हैं, वह ऑलमोस्ट 15% ईयर ऑन ईयर, 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, टू ऑलमोस्ट 2050 odd rupees. तो कहीं ना कहीं आई थिंक दिक्कत है जरूर है स्टॉक के लिए. प्राइवेट माइनिंग के हिसाब से देर कैन बी फर्दर इश्यूज रिलेटेड टू हाउ द माइनिंग कंपनीज कोप अप इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन नंबर्स. डिविडेंड यील्ड ऑफ 5% एक सेफ गार्ड है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक 196 एक बहुत अहम लेवल है. अगर 196 से टूटता है तो शायद और डाउनसाइड देखी जा सकती है, तो ये लेवल्स अहम रहे. तो आप अगर लंबे नजरे के नजरे से है तो होल्ड कर सकते हैं, मीडियम टर्म व्यू है तो 196 नीचे वॉच स्टॉक पर. ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है फेडरल बैंक. लॉन्ग टर्म व्यू है कोल इंडिया में तो बने रह सकते हैं, शॉर्ट टर्म व्यू है तो 196 के लेवल को क्लोजली वॉच करें, वो ब्रेक होगा तो शायद ये स्टॉक थोड़ा और नीचे जा सकता है. एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो आपको बताएंगे आज की वैल्यू पिक. आप देख रहे हैं कल का बाजार, यहां से सीधे रुक कर लेते हैं आज की वैल्यू पिक का. बताइए मयूरेश, कौन सा स्टॉक पसंद है आपको? मित्र जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है बाय द नेम ऑफ अतुल लिमिटेड. तो अगर स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज की हम बात करें तो जो रिस्पेक्टिव फील्ड में है, रिस्पेक्टिव एरियाज में है, वहां पे अच्छी खासी ग्रोथ आने की उम्मीद है फॉर द एंटायर सेक्टर एज अ होल, एनीवेयर बिटवीन 12 to 15%. क्योंकि चाइना में जो सप्लाई डिस्ट्रप्शन हमने देखे हैं, जो एनवायरमेंटल इश्यूज के वजह से जो जो फैक्ट्रीज बंद हुई हैं, और जो एक्सेप्टेंस कम हुआ है इन टर्म्स ऑफ बोथ दीज रीजंस, एक बहुत बड़ा लेवल प्लेइंग फील्ड खोलता है स्पेशलिटी केमिकल प्लेयर्स लाइक अतुल के लिए. नाउ अतुल इटसेल्फ हैज अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस, आई थिंक पिगमेंटेशन से लेके लेदर से लेके कॉस्मेटिक्स से लेके स्पेशल इंडस्ट्रीज तक का, आई थिंक सारे इंडस्ट्रीज में आई थिंक इनके प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं. तीसरा इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल नंबर्स इटसेल्फ, टैक्स कट्स के वजह से आई थिंक एक सिग्निफिकेंट इंपैक्ट आने वाला है बॉटम लाइन के ऊपर. तो अगर मैं ईपीएस की बात करूं तो FY19 के लिए 145 rupees की ईपीएस इन्होंने रिपोर्ट की थी. फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिस्कल 120 rupees की ईपीएस इन्होंने ऑलरेडी रिपोर्ट की है, एंड अ लार्ज फैक्टर इज दैट ऑफ द कॉर्पोरेट टैक्स कट दैट हैज गॉट अनाउंस. फोर्थ आई थिंक इनकी जो आई थिंक बिजनेस सेगमेंट्स है, लाइफ साइंसेस सेगमेंट एंड परफॉर्मेंस एंड अदर केमिकल सेगमेंट्स, ये दोनों सेगमेंट्स में आई थिंक EBIT मार्जिन है दे हैव हेल्ड अप प्रीटी नाइसली. पिछले तिमाही में भी आई थिंक टॉप लाइन वाज एज गुड एज द लास्ट क्वार्टर, 19.5% की EBIT मार्जिन उन्होंने मेंटेन की है, विच इज अ वेरी कमेंडेबल थिंग. फोर्थ आई थिंक इनका जो केपेक्स है, जो 500 करोड़ का एक एक्सपेंशन कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 quarters, जैसे प्लांट फंक्शनल हो जाएगा 1000 से 1200 करोड़ की उम्मीद है मैनेजमेंट को टॉप लाइन में बढ़ोतरी होगी. तो कहीं ना कहीं आई थिंक टॉप लाइन ग्रोथ ओवर FY21-22 काफी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाएगा. जो बिट्टा मार्जिन है दे शुड स्टेबिलाइज बिटवीन 20-21%. बैलेंस शीट पे डेट बिल्कुल नहीं है, इसलिए आई थिंक एक डेट फ्री कंपनी के खातिर जो रिटर्न रेशियोज है 20-21% के, आई थिंक काफी कमेंडेबल है. कंपेयर टू इट्स पीयर्स आई थिंक काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है फ्रॉम अ वैल्यूएशन परस्पेक्टिव, प्रोडक्ट परस्पेक्टिव एंड एन अर्निंग्स परस्पेक्टिव. तो मेरे ख्याल से आई थिंक ये बहुत बढ़िया स्टॉक हो सकता है एट दिस लेवल और एनी डिक्लाइन, बहुत फॉर द टारगेट्स मेंशनड एंड द स्टॉप लॉस मेंशनड एज वेल. तो अतुल लिमिटेड खरीदारी की सलाह है और 4690 के टारगेट्स के लिए बाय पोजिशंस आप बना सकते हैं. कोई डिस्क्लोजर आपकी ओर से मयूरेश? पहले जो जो भी स्टॉक्स की हमने चर्चा की, मेरी पर्सनल होल्डिंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये सारे स्टॉक्स हमने मेरे क्लाइंट्स को रेकमेंड किए हो एंड क्लाइंट्स विल एंड मस्ट बी हैविंग होल्डिंग इन द स्टॉक्स दैट वी हैव डिस्कस्ड.
ठीक है, शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लिंक खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सिंधी सेवा से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।